हरियाणा में हुई बारिश ओलावृष्टि से 1.3 लाख किसानों को नुकसान हुआ है। सरकार के पोर्टल पर प्रभावित किसानों ने मुआवजे के लिए आवेदन में ये आंकड़े सामने आए हैं। पोर्टल पर आए आंकड़ों के अनुसार सूबे में 7.3 लाख एकड़ भूमि की फसल को नुकसान हुआ है। सीएम इन दिनों भिवानी जिले के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि सरकार आए आवेदनों का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाकर मई में मुआवजा देगी। भिवानी जिला के दौरे के दौरान तिगड़ाना गांव में खेतों में मौजूद किसानों से बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के साथ उनके खेत में पहुंचे। खेत में बारिश के चलते खराब हुई फसल का उन्होंने जायजा लिया। किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल सरकार ने खोल दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रभावित किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार किसान की हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया है कि खराब हुई फसल से जितना अनाज बच सकेगा उसको बचाने के लिए भी प्रयास करें। उन्होंने धनाना गांव में स्थित अनाज खरीद के लिए बने सब यार्ड का भी निरीक्षण किया। तेज आंधी के साथ हुई बरसात ने खेतों में गेहूं की फसल को पूरी तरह से बिछा दिया है, जिसके कारण गेहूं की फसल में 50-100% तक नुकसान दर्ज किया गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां के किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।